हेलो साथियों, नमस्कार। जय आरसीएम। मैं रवि ठाकुर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आरसीएम प्रॉब्लम सॉल्वर में। साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश करने आया हूं। बात पूरे गांव है रातू प्रखंड में, मैं वहां पे आया हूं। तो आइए सर, हम जानते हैं इसके बारे में। एक किसान हमारे हैं, उनके पास हम लोग मिलने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग गेहूं लगाए हैं। तो बोले चलिए गेहूं देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि गेहूं में क्या असर हुआ है, ये हमारे जो किसान है इनको क्या फायदा हुआ है, ये क्या बताते हैं, आइए। हाँ सर, तो आइए हम पहले जानते हैं इनके बारे में। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम जलेश्वर महतो है। मैं रातू ब्लॉक का रहने वाला हूँ। गांव मेरा गुड़ू है। मैं इस मैंने कि जो है इसको हम तो सोच रहे थे कि दवा है, लेकिन दवा ये भी है, लेकिन खाद का भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो सर, जलेश्वर सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आप फसल कर रहे हैं खेती बाड़ी, ये कितने साल से कर रहे हैं? हम ये 5 साल से ये हरी संजीवनी का खेती कर रहा हूँ। यानी हरी संजीवनी साहब 5 साल से खेती कर रहे हैं, उससे पहले भी खेती बाड़ी करते रहे होंगे? हाँ, पहले भी खेती। तो सर, हरी संजीवनी जो आप खेती बाड़ी किए और पहले जो किए, तो दोनों में से आपको कुछ अंतर लगा? बहुत अंतर लगा, एकदम बहुत अंतर। माने कि इसमें जो है ना बहुत अंतर, बीमारी का भी रोक करता है और दूसरा है कि उपजाऊ माने बहुत बढ़िया पौधा को दिखा देता है और माने फसल को भी बहुत बढ़िया दिखा देता है ये। और सर, ये जो हरी संजनी आप जो बोल रहे हैं 5 साल से आप यूज कर रहे हैं, तो कौन कौन से आप इसमें फसल का इस्तेमाल किए? हम तो फर्स्ट में अदरक में किए थे और उसके बाद में आलू में किए और उसके बाद में बीन में भी किए, मटर में भी किए और उसके बाद में ये लत्तर वाला जो सेम होता है उसमें हम 5 साल से ही मतलब उसका यूज हम करते आए हैं। उसका भी हम मतलब कि जो है ना अभी उसका पौधा फल सब फूल सब सब दिखा सकते हैं। तो अभी सर, अभी आप गेहूं पे लगाए हैं और कौन कौन सा फसल में अभी आप फिलहाल लगाए हैं? अभी तो हम मतलब कि जो है सो बता तो दिए, मतलब कि जो है जितना मैंने बोले हम आलू अभी अभी जैसे अभी जो लगा हुआ है जैसे गेहूं लगा हुआ। हाँ, गेहूं 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 लगल है और उसके बाद में तो अभी तो हम अपना से मतलब कि जो सेमे में लगाए हैं, तो बरसात में लगाए थे लेकिन अभी तक फलिए रहा है, अभी तक फलिए रहा है। हाँ। चलिए, तो हम लोग थोड़ा देर बाद उस खेती का भी हम लोग मुआयना करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं गेहूं में क्या असर हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा बिरसा जी को बोलेंगे यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि वो खुद खेती बाड़ी बहुत तेजी से करते हैं, बहुत जोरदार रूप से करते हैं। तो उन्हीं से मैं जानना चाहूंगा गेहूं में क्या रिजल्ट आया, वो भी खुद देखेंगे और हम लोग को दिखाएंगे कि अब मेरा नाम है बिरसा राम, मैं यही मतलब ग्राम तिगरा से हूँ और इस आरसीएम सिस्टम में एक हरी संजनी मेरे यहाँ खाद उपलब्ध है। मैं उससे मतलब किसानों को सलाह देता हूँ कि हरी संजनी से खेती कीजिए, ताकि रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है। चलिए हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं गेहूं का फसल क्या प्रॉफिट दिया है, तो देखना चाहते हैं दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम गेहूं का एक अंकुरित बीज से कितने पौधे इसमें आए हैं उसको थोड़ा गिनती करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए साथियों, हम किसानों से यही सलाह देता हूं कि एक गेहूं का दाने से 20 पौधे आए हैं, तो आप सोच सकते हैं ये हरी संजीवनी का कमाल गजब का है। कोई भी फसल हम लगाएंगे तो नंबर 1 रिजल्ट आता है। हम इस तो मतलब कि गेहूं में हम एक बार एक नंबर का मतलब कि जो है
दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर इसको हमने नहीं यूज कर पाया। यानी कि इसमें चार नंबर तक रहता है। हाँ, तो चार नंबर, पहला नंबर जो मिट्टी में दिया जाता है। हाँ, मिट्टी केवल वो नंबर केवल यूज किए हैं। हाँ, एक नंबर किए हैं बस। अच्छा, ठीक है साथियों। उसके बाद भी आप फसल देखेंगे तो बहुत ही गजब का फसल हुआ है। आप देख सकते हैं इसका जो बाली है, बहुत सारा दाना है बाली पे भी, आप खुद देख सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप किसानों को और क्या सलाह देना चाहेंगे? यार, मैंने कि जैसे अभी तक तो हम बोलिए रहे हैं कि मतलब कि आप लोग भी कम से कम यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और मिलेगा ही आपको। चलिए ठीक है, तो आप पूरा बिल्कुल संतुष्ट है ना सर इससे? हाँ हाँ, हम संतुष्ट हैं। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। हमारे साथ एक और साथी आए हुए हैं राशिद जी, तो उनसे मैं जानना चाहूंगा आप गेहूं को देख के क्या आपका दिल में क्या हो रहा है? एकदम बहुत गजब का है सर, बहुत गजब का है। ये पहला बार देखे हो ऐसा का हो। तो साथियों, हम लोग आ चुके हैं जो सेम का खेती किए हैं हमारे सर जी उनके पास में। तो जो सेम लगाए हैं इसके बारे में बताना चाहेंगे कि सेम जो है कितना इनको फसल दिया है और कब कब तोड़े और कितना तोड़े। हालांकि अभी जहां भी देख रहे हैं लगभग ये जो लर वाला जो सेम है लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी इनका जो सेम है अभी भी चल रहा है। तो बताइएगा सर, चलो जा जाइए। ये फसल को हमने जून, मई जून में इसको हम लगाए हैं और उसी टाइम एक बार हम इसमें मतलब हरी संजीवनी डाले हैं, खाद के साथ है डाले हैं। तो हमको सर लोग बोले थे कि मतलब कि खाद के साथ है डालिएगा, तो हम खाद के साथ है। बाद जो है ना पूरा बरसात पूरा लतर दिया, फल दिया। फास्ट में हम यहाँ से तोड़े हैं, मैंने जब पूरा फल एकदम मतलब भरखर हो गया उस टाइम हम इसमें ये खेत में हम एक कुंटल तक तोड़े एक दिन में। उसके बाद क्या फसल अभी भी देखिए मतलब कि यह सब फसल बहुत अच्छा है। फसल तो हम गिनने नहीं सकेंगे कि हम क्या बार तोड़े हैं। हाँ, गिनने नहीं सकेंगे। लास्ट बार कब तोड़े थे? लास्ट बार तो हम कल तोड़े हैं यहाँ 20 किलो। बाप रे, अगर हम लोग कल आ जाते हैं तो आप लोग को दिखा पाते हैं। हालांकि फूल आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त फूल है, चारों तरफ बहुत ज्यादा फूल अभी है और फल भी बहुत ज्यादा लग ही रहे हैं, है ना। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं एक बार, थोड़ा बिसा जी पूरा फसल को एक बार थोड़ा दूर होकर दिखाइएगा तो लोगों को समझ में आएगा। ज्यादा बड़ा एरिया में नहीं है बट फसल बहुत ज्यादा हुआ है। ज्यादा है, ज्यादा तो पांच